एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक असमोली में स्थित अशरफपुर गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के विकास के लिए ग्रामवासियों ने शकील अहमद को प्रधान के रूप में चुना है। लगभग 4500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 12 किलोमीटर ही है। लगभग 1900 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 450 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 190 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 30 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 6 नल रिबोर कराए गए हैं। इसी के साथ बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर व 10 सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 10 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, स्कूल की बाउंड्री व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण भी कराया है। इसी के साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 47 इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9 आवास का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, जूनियर हाई स्कूल, कब्रिस्तान की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 200 आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 300 इज्जत घर, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मेरा नाम शकील अहमद है, मैं ग्राम पंचायत अशरफपुर का प्रधान हूँ और मेरे गांव में जो भी सरकार ने मुझे धनराशि दी है उसका मैंने सदुपयोग किया है। मैंने 8-10 रास्ते सीसी टाइल से बनवा दिए हैं और मैंने अपने गांव में पानी की व्यवस्था को देखते हुए 6-7 नल का रिबोर करा दिया और 4-5 नल मैंने आईसीएन में नए लगवा दिए हैं। लेकिन मेरे गांव में अभी नलों की और ज़रूरत है। मेरा गांव एक गरीब गांव है, इसमें पानी की समस्या है, घरों में लोगों के समरसिबल नहीं है। अतः मैं सरकार से ये चाहता हूं कि मेरे ग्राम पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा धन दिया जाए जिससे कि मैं लोगों की परेशानी को हल कर सकूं। और मैंने अपने गांव के अंदर 10 सूर्य ऊर्जा भी लगवा दिए हैं और काफ़ी और भी ज़रूरत है। और मैंने खरंजे भी बिछवाए हैं और मैं ये चाहता हूँ कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा धन दे जिससे कि हमारे गांव में और एक समस्या गरीब आदमी जो कच्ची छतों के नीचे रहते हैं उन्हें आयुष्मान प्रधानमंत्री योजना से लाभ दिया जाए, उनके कॉलोनियाँ बनवाई जाए और घरों में शौचालय अभी पूर्ण नहीं है। कम से कम 200-300 शौचालय की धनराशि दी जाए जिससे कि गरीब आदमी का भला हो सके, मेरा गांव एक स्वच्छ गांव बन जाए। मैं ग्राम पंचायत रोजगार सेवक हूँ अशरफपुर में। यहाँ बहुत अच्छा काम करा रहे हैं और सभी से मिलके पूरे समाज को साथ लेकर चलते हैं। और जैसे कि शौचालय है, सभी को शौचालय जिन पर नहीं है उन्हें बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जैसे आवासों की कमी है यहाँ पर, कुछ सोच आवास प्रधानमंत्री आवास इन्होंने बनवा दिए हैं, लगभग 9-10 आवास बनवाए हैं और लगभग 70-80 की डिमांड करी है। जो कच्चे घर हैं गरीबों को ज़्यादातर उनका साथ देते हैं और 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध रहते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से समाज को और खुद को अपने समर्पित हैं समाज के प्रति। और आगे भी उनकी योजनाएँ हैं गाँव को समग्र विकास करने की और गरीब को जिस तरह से वो प्रोत्साहन करते हैं, उनकी मदद करते हैं, वो उनका काफ़ी सराहनीय है। मैं उनके साथ काम करके बहुत ही गर्व महसूस करता हूं और उनके साथ आगे भी काम करना चाहता हूं।